स्टार 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 को पाने की चाहत में लोग घोड़े की रफ्तार से दौड़े चले जा रहे हैं। आखिर क्या होता है ये स्टार स्टार के क्यों लोग इतना दीवाने होते हैं, क्यों लोगों में इतनी लालसा है, क्यों लोगों में इतनी होड़ है कि स्टार को अधिक से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। दोस्तों, वो स्टार जो किसी अधिकारी के कंधों पर लटका हुआ होता है या फिर वो स्टार जो किसी बड़े से होटल की दीवार पर लगा होता है, तो लोग इन स्टारों के इतने दीवाने क्यों हैं, क्यों इतना लोग इसके पीछे भागे जा रहे हैं कि मुझे स्टार चाहिए स्टार चाहिए। इस स्टार की होड़ में लोग इतना आगे निकल चुके हैं और इस स्टार को कौन ऑपरेट करता है, कौन देता है, फिल्मों में स्टार रेटिंग कैसे दी जाती है, होटलों में स्टार रेटिंग कैसे दी जाती है, कौन इसको देता है। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट यही है कि स्टार रेटिंग कैसे मिलती है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसको मिलने के बाद में क्या इसमें आपको इस होटलों में या इन फिल्मों में क्या खासियत होती है। तो दोस्तों, आइए स्टार रेटिंग को समझते हैं। देखिए, स्टार जितने ज़्यादा होंगे आपके पास, तो ये समझिए कि स्टार जितने ज़्यादा आपके पास हैं तो इसका मतलब है कि उच्चतम गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी और हाई प्राइस यानी कि मैक्सिमम प्राइस उसमें होगा। और अगर आपके स्टार जितने लो हैं यानी कि जिस होटल के पास, जिस फिल्म के पास स्टार रेटिंग जितनी कम है, वो उतनी ही उसकी लो प्राइस होगी और उसमें गुणवत्ता उतनी ही नीची होगी, क्या कैटेगरी की होगी। तो आपने समझ लिया स्टार का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता। अगर अच्छा स्टार आपके पास है किसी होटल के पास, तो वहां पर समझिए कि उच्च गुणवत्ता और उच्च प्राइस होगा, वहीं अगर निम्न है तो उसका मामला उल्टा होगा। तो यहां पर दोस्तों समझिएगा कि जो स्टार रेटिंग है इसकी शुरुआत दोस्तों आज के 100 साल पहले लगभग 1915 में अमेरिका में एक एडवर्ड मोजायन नाम का राइटर था और वो राइटिंग स्टोरीज लिखता था छोटे छोटे, तो वो 60 स्टोरीज लिखते थे। तो उनमें क्या होता था कि उन्होंने साल 1915 में उन्होंने स्टोरीज लिखी और उनको एक स्टार रेटिंग कैटेगराइज करने लगे कि स्टार रेटिंग देने लगे अपने उस 60 स्टोरीज को। तो उन्होंने जो एक 60 स्टोरीज जो लिखते थे, और उनका दावा दोस्तों जानते हो क्या था एडवर्ड मोजायन का, कि वो एक साल में 8000 से ज़्यादा 60 स्टोरीज पढ़ लेते थे। तो उन्होंने उनमें 3 स्टार रेटिंग दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को उन्होंने कहा कि शानदार, सेकंड को कहा अच्छा, और एक मतलब नहीं, थर्ड को उन्होंने कहा शानदार, सेकंड को कहा उन्होंने क्या कहा कि ये अच्छा है, और जो आपका फर्स्ट था यानी कि स्टार रेटिंग 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 3, और फर्स्ट को उन्होंने कहा कि एवरेज है, अगर जिसका स्टार रेटिंग 1 भी नहीं है तो समझ लो वो खराब की कैटेगरी में कहा जाता था। तो उन्होंने इस प्रकार से 1915 में शुरुआत की। अब देखिएगा फिल्मों में कब आया, होटलों में कब आया और फिर विद्युत विभाग में कब आया, इसके बारे में हम समझ आइए समझ। सबसे पहले 1915 में आप जानते हैं कि कितने एडवर्ड मोजायन ने इसकी शुरुआत की थी और कैसे की थी, 60 स्टोरीज में, और उन्होंने उसने स्टोरीज को उनमें कैटेगराइज किया कि किस स्टोरीज को कितना स्टार दिया गया। तो ये तो इसकी शुरुआत थी। उसके बाद में देखिए 1926 में यहाँ पर, फिर उसके बाद में 1928 में, फिर उसके बाद में 2002। अब इसका क्या मतलब है, 1926 में होटलों में दिया जाने लगा और होटलों में दिया जाने लगा, उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा होटलों के बाद में 1928 में फिल्मों में दिया जाने लगा। तो जब फिल्मों में दिया जाने लगा और उसके बाद में विद्युत विभाग में, तो विद्युत विभाग में जो दिया गया वो BEE, क्या मतलब है इसका जो हमने लिखा। तो उस साल 1926 में होटल में शुरू किया गया, यानी कि होटलों को शुरुआत की गई होटलों में कि इनको स्टार दिया जाए, और शुरुआत में 1 से 5 तक स्टार होते थे, लेकिन आज 7 भी होटलों में दिया जाता था। और फिल्मों में आप जानते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में 1 से 10 स्टार रेटिंग दी जाती है, और यहाँ पर भी जो विद्युत विभाग है यहाँ पर भी 5 तक दी जाती है। तो होटल में देखिए इसको देने के लिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और इसको सरकार इसको लीड करती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो जाकर होटलों को चेक करती है। तो होटल वाला जो क्या है, यहाँ पर होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवमेंट यहाँ पर कैंसिल कमेटी, तो ये जो कमेटी है, ये जो बनाया गया है साल 1926 में, ये इसको मैनेज करता है।
तो ये कैटेगराइज करता है, वहां पर जाता है, होटलों को चेक करता है, वहां की सर्विस, वहां की व्यवस्था और खाने का टेस्ट और वहां की साफ सफाई, इसको देखते हुए वहां की व्यवस्था, वहां पर स्पा है या नहीं है, या यहाँ पर पूल है, ओपन पूल है, या वहाँ पर बहुत वहाँ की जो चीज़ें हैं और होटलों की वो चेक की जाती है। इस प्रकार से स्टार रेटिंग दी जाती है और स्टार रेटिंग शुरू शुरू में 1 से 5 तक दी जाती थी और आज लगभग 7 तक दी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर 5 तरीके के खाने होते हैं, यानी कि जहाँ पर 5 कैंटिनेंट यानी कि महाद्वीप के खाने होते हैं, वहाँ पर 5 रेटिंग होती है, जहाँ पर 7ों के होते हैं वहाँ पर 7 स्टार रेटिंग। लेकिन इसका इससे वास्तविक लेना देना है नहीं। अब देखिएगा 1928 में, देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल मूवीज डेटाबेस, इसने इसकी शुरुआत की और 1928 में, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मूवीज डेटाबेस, ये स्टार रेटिंग देता है। अब स्टार रेटिंग मूवीज को कैसे मिलती है, थोड़ा इसको डेप्थ में बता देते हैं दोस्तों। इनमें क्या होता है कि आपका ये IMDb नाम से एक एप्लीकेशन भी है और YouTube चैनल भी बना हुआ है। तो जो एप्लीकेशन है उस पर आप जाएंगे, ईमेल के जरिए आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे ईमेल बना के, और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो जैसे कोई भी फिल्म वहाँ पर नेटफ्लिक्स हो, कोई हो या कोई भी आपके धारावाहिक हैं या फिर शॉर्ट्स हैं, सब वहाँ पर अपलोड होती हैं, मिलती हैं, और वहाँ पर आप स्टार रेटिंग दे सकते हैं। और स्टार रेटिंग क्या होती है कि 1 से लेकर 10 डिजिट तक, 1 से लेकर 10 डिजिट तक आप उनमें दे सकते हैं। अब देखिए अक्सर आप देखते हैं कि जिसकी स्टार रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी वो फिल्म उतनी ज़्यादा जो है लोकप्रिय मानी जाएगी। तो जैसा कि हाल ही में अभी एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, इसको 9.9 स्टार रेटिंग मिली थी लेकिन बाद में घट भी गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार रेटिंग कैसे मिलती है। तो स्टार रेटिंग देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक फिल्म को 10 स्टार रेटिंग मिल गई और दूसरी फिल्म को 5 स्टार रेटिंग मिल गई, लेकिन जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है वो ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती है और जिसको 10 मिला है वो कम मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई फिल्म वहाँ पर रिलीज हुई और उसके बाद में आप वहाँ पर जाकर मान लीजिए कि 1 लाख लोग वहाँ पर वोट करते हैं, और जब आप वोट करेंगे तो 1 से लेकर 10 में कोई भी डिजिट आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने वोट किया और कोई स्टार रेटिंग वो देते चले गए। अब वहाँ पर इन सभी लोगों का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो जो एवरेज आएगा वही आपकी स्टार रेटिंग उस फिल्म की मानी जाएगी। तो मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने एक मूवीज को क्या किया कि वोट किया और उसकी स्टार रेटिंग आई 5। अब वहीं पर एक फिल्म दूसरी आई और उसको 1000 लोगों ने, कितने 1000 लोगों ने स्टार रेटिंग दी, और 1000 लोगों ने जब स्टार रेटिंग दी तो उसको जो मैनेज किया गया, देखा गया, तो वहां पर उसकी स्टार रेटिंग आई 10। तो यहां पर देखिए कि यहां पर 1 लाख लोगों ने दिया स्टार रेटिंग 5 आया, यहां पर 1000 लोगों ने दिया है जिसकी स्टार रेटिंग कितनी आई 10 आई। तो यहां पर जो ये 1 लाख लोगों ने दिया है ये ज्यादा लोकप्रिय और प्रभावशाली मानी जाएगी, जबकि ये कम, क्योंकि लोगों की अगर संख्या अधिक से अधिक स्टार रेटिंग देने की है और चाहे उसकी कम ही आए तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगी। अगर 10 लोग आपकी मूवीज को देखते हैं वहां पर 1 लाख लोग देखते हैं तो कौन सी ज्यादा प्रभावशाली होगी, जो 1 लाख तक। तो इस प्रकार से जो फिल्मों में 1928 से शुरुआत हुई इसको स्टार रेटिंग देने की, तो वो कौन से इंटरनेशनल मूवीज डेटाबेस करता है। ठीक उसी प्रकार 2002 में विद्युत विभाग में भी जैसे आप जाते हैं AC खरीदने, कूलर पंखा या फ्रिज खरीदने जाते हैं तो उस पर भी स्टार रेटिंग दी हुई होती है और हर साल स्टार रेटिंग बदलती भी रहती है। तो यहाँ पर देखिए BE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि एनर्जी की क्षमता पर जैसे कोई आपने AC ली और वहाँ पर उसकी स्टार रेटिंग दी गई है, तो स्टार रेटिंग में यहाँ पर इसको कैसे दिया जाता है कि 1 स्टार दिया जाए, 2 स्टार, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है और बढ़िया उच्च क्वालिटी देता है और एनर्जी भी कम खपत, जैसे 2 ACs हैं और यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर ये 5 वोल्ट ले रही है, ये 4 वोल्ट ले रही और दोनों सेम ही हैं, देखिए दोनों सेम ही हैं, लेकिन जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी चाहे उसका पैसा ज़्यादा ही क्यों ना हो तो उसको स्टार रेटिंग ज़्यादा दी जाती है। तो दोस्तों ये रहा स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा दोस्तों? आप अभी एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि स्टार रेटिंग
अब आज यातायात व्यवस्था में, हेल्थ सिस्टम में, यानी कि सब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो अपना एक एजेंसीज को तैयार करते हैं, चाहे इंटरनेशनल स्तर पर हो, नेशनल स्तर पर हो, वो स्टार रेटिंग देते हैं। तो उनको मैनेज करने वाली, ऑपरेट करने वाली एजेंसियां होती हैं और वहां पर जाकर चेक करते हैं इनकी फैसिलिटीज़, इनकी सुविधाएँ कैसी हैं, उसके अनुसार स्टार रेटिंग दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।